हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं सुपरमैन डिसमेसर्स द क्लैन कॉमिक सीरीज को। तो ये है एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, सुपरमैन अपने एलियंस माता पिता से बात कर रहा होता है और वहाँ हॉस्पिटल में टॉमी और रॉबर्टा के माता पिता टॉमी को इंजर्ड देखकर थोड़े बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जब टॉमी उन्हें ये बताता है कि वो बस नदी में गिर गया था, तो एक बार तो रॉबर्टा यह नहीं समझ पाती कि टॉमी झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन फिर वो टॉमी का साथ देती हुई बोलती है कि हाँ, ये बस नदी में गिर गया था और फिर सुपरमैन ने इसे बचा लिया और वो यहीं पर खड़ा है। हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए और उसकी कैप उसे वापस दे देनी चाहिए। तो जब रॉबर्टा सुपरमैन को उसकी कैप वापस देना चाहती है, तो सुपरमैन वो कैप रॉबर्टा को ही दे देता है और बोलता है, अब से इसे तुम ही संभालोगी क्योंकि आज की असली हीरो तुम हो रॉबर्टा। और ये कहते हुए सुपरमैन वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि रात में जब रॉबर्टा सो रही होती है, तो उसकी माँ उसकी कैप को उसके लिए सिलाई कर छोटी कर देती है। आगे हमें डेली प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पेरी क्लार्क को बोलता है, जो कुछ भी रात को हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था, हमारे शहर के लिए बिल्कुल सही नहीं। कुछ क्लैन के मेंबर एक बच्चे को किडनैप कर रहे हैं और उसे मारना चाह रहे हैं, ये सब मैं नहीं होने दे सकता। सुपरमैन ने भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहा, हमें भी कुछ जरूर करना चाहिए। और तभी हमें दिखता है कि डेली प्लैनेट वाले न्यूज में छुपा देते हैं कि जो भी क्लैन ऑफ फेरी क्रॉस को पकड़ेगा उसे $1,000 का इनाम दिया जाएगा। और हम देखते हैं चक की मॉम चक को मजाक मजाक में बोलती है कि तुम्हारे अंकल को पकड़वाने के लिए $1,000 काफी अच्छी रकम है, तो तुम्हें चूकना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो चक वो पेपर लेकर अपने अंकल के पास जाता है, जो कि उस टाइम कुछ बना रहा होता है। जब चक उन्हें वो न्यूज़पेपर दिखाता है, तो वो उन्हें बोलता है कि कुछ टाइम के लिए आपको शहर से बाहर चले जाना चाहिए, यही आपके लिए सही रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हेंडरसन चक के घर पर आ रहा है। तो चक का अंकल वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक टाइम बॉम्ब होता है। वो चक को बोलता है कुछ समय के लिए तुम यूनिटी हाउस से दूर रहना, क्योंकि हम अभी वॉर में हैं। तुमने सुना, यूनिटी हाउस से दूर रहना। आगे हम देखते हैं टॉमी और रॉबर्टा वापस अपने दोस्तों से मिलने आते हैं, जहां पर वो सब दोस्त टॉमी को सही सलामत देखकर खुश हैं और वो उसके रात के किस्से सुनकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी जिमी ओल्सन उन सबको रॉबर्टा से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि रॉबर्टा बहुत बहादुर है और सुपरमैन ने अपनी कैप इसको दी है, जिसको इसकी माँ ने कटिंग कर एक जैकेट के रूप में बना दिया है। तो वो सब रॉबर्टा के उस जैकेट को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं और फाइनली रॉबर्टा अब अच्छा महसूस कर रही है, उसको मेट्रोपोलिस में पहली बार कंफर्टेबल फील हो रहा है। यही सब चल रहा होता है कि तभी चक भागता हुआ अंदर आता है। वो बोलता है हमें अभी इसी वक्त इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए। जब वो लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों, तो चक उल्टे सीधे बहाने बनाने लगता है और फाइनली वो बोलता है कि शायद हमें कोई मूवी देखने जाना चाहिए। और वो सब लोग चक की बात मानकर मूवी देखने जाने लगते हैं, लेकिन रॉबर्टा ये सब नहीं समझ पा रही। वो सोचती है कुछ तो गड़बड़ है, चक कुछ परेशान लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो क्लैन वाले मेंबर वो टाइम बॉम्ब लिए वही बाहर खड़े होते हैं और सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस हेल्थ डिपार्टमेंट में, जहाँ पर लुईस लेन टॉमी के फादर से मिलती है, जो कि वही काम कर रहा होता है। जब टॉमी का फादर लेन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं बस चेक करने आई हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या अच्छा काम कर रहे हो, तो टॉमी का पिता बोलता है इसे अच्छा काम तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको शायद डॉक्टर विल्सन से बात करनी चाहिए। वो वहाँ आगे बैठते हैं। जब लुईस लेन थोड़ा आगे जाती है, तो उसे एक लैब नजर आती है, जहाँ पर वही एक्सपेरिमेंट हो रहा था जो हमें पहले दिखाया गया था। और तभी एक डॉक्टर लुईस लेन को आकर बोलता है कि आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ से चले जाओ लुईस लेन, यहाँ पर ताकाजाकी मत करो। आगे हम देखते हैं कि रास्ते में रॉबर्टा को उसके चाइना टाउन वाले फ्रेंड्स मिलते हैं, जो कि उसको देखकर खुश तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और इसी बात को लेकर रॉबर्टा थोड़ी सी दुखी हो जाती है। आगे हम देखते हैं क्लार्क और लुईस एक कैफे में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लुईस उसे जो भी उस लैब में हुआ वो बताती है और क्लार्क को फिर से खिड़की से बाहर उसके वो एलियन पेरेंट्स नजर आ रहे होते हैं। जब लुईस उसे देखती है, तो वो सोचती है कि क्लार्क उस औरत को देख रहा है और वो वहां से चली जाती है। तब क्लार्क
एक खाली जगह जाकर अपने उन एलियन पेरेंट्स से बोलता है कि तुम लोग बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तो वो बोलते हैं, बेटे हम तुम्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं, क्या तुम नहीं जानना चाहते तुम्हारे सवालों के जवाब, क्या तुम अपने इस अधूरेपन को पूरा नहीं करना चाहते। तभी लाल को वापस अपने बचपन का सीन याद आता है, जहाँ पर वो बुल्ली बच्चे फिर से लाल को परेशान कर रहे थे। वो उसे पूछ रहे थे कि तुम अपना वो राक्षस रूप हमें फिर से दिखाओ। लेकिन तभी वहाँ पर एक लाल बाल वाली लड़की आकर उन दोनों को लाल को परेशान करने से रोकती है, और जब वो बच्चे उससे भी परेशान करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि लाल की आंखें फिर से लाल होने लगती है और वो हल्का हल्का हवा में उठने लगता है और उसको आवाजें फिर से सुनाई देने लगती है। जब क्लार्क जोर से चीखता है कि प्लीज चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना ये सब, दूर चले जाओ यहाँ से, तब वो आवाज़ें शांत हो जाती है और क्लार्क भी नॉर्मल हो जाता है, और हम देखते हैं कि उस लड़की की और क्लार्क की दोस्ती हो जाती है। क्लार्क सोचता है कि मैं एक आम बच्चा बन गया था, आम और परफेक्ट, और सीन अपोजिट होता है परसेंट ने, जहाँ पर क्लार्क बोलता है कि मुझे नहीं जानना कि क्या सच है, मैं हूँ क्लार्क कैंट जो कि छोटे से गांव में रहता है, मैं जोनाथन और मार्था का बेटा हूँ और यही मेरी पहचान है, मुझे कुछ नहीं जानना। लेकिन जब वो बोलते हैं हम तो बस तुम्हें सच्चाई बताना चाहते हैं, तो क्लार्क बोलता है इतनी मुश्किल से तो इन लोगों ने मुझसे डरना बंद किया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने में ही खुश हूँ, अब आप लोग चले जाओ, गुड बाय। आगे हम देखते हैं कि रोबेटा जो मूवी देख रही होती है उसमें मूवी का विलन उड़ता है, तो रोबेटा सोचती है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी ताकतवर और फुर्तीले हो आप ग्रेविटी को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मूवी से बीच में ही उठकर बाहर जाने लगती है, और हम देखते हैं बाहर चक और टॉमी खेल रहे होते हैं। तब रोबेटा टॉमी को बताती है कि वो चक ही था जिसने उस दिन वो बॉम्ब हमारे घर के ऊपर फेंका था। तब चक सॉरी बोलता है मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, उस टाइम मेरे अंकल ने मुझे फोर्स किया और मैंने वो बॉम्ब मिस भी जानबूझकर ही किया था। तब टॉमी चक को माफ कर देता है, लेकिन जब चक सॉरी बोल रहा होता है तो गलती से ये बोल देता है कि मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही तुम लोगों को ना ही यूनिटी हाउस को। तब यूनिटी हाउस का नाम सुनकर रोबेटा के कान खड़े हो जाते हैं, वो बोलते तुमने ये नाम क्यों लिया। तब चक बोलता है असल में मेरे अंकल वो ही स्लेम के मास्टर है, वो खुद को ग्रैंड स्कॉर्पियन बोलते हैं और उनका नाम है मैट रिक्स, तो मुझे लगता है कि वो यूनिटी हाउस पर एक हमला करने वाले हैं और इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सब बातें जिमी ओसन सुन लेता है, वो बोलता है लेकिन यूनिटी हाउस में और भी लोग हैं, हमें अभी वहाँ चलना चाहिए, और वो सब लोग वहीं जाने लगते हैं। और सीन शूट होता है यूनिटी हाउस में, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेन वाले वहाँ खिड़की में से ऊपर चढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि चक उन्हें बताता है कि इन लोगों को जरूर मेरे अंकल ने भेजा होगा, लेकिन मेरा अंकल इन लोगों के साथ में नहीं है। तब जिमी बोलता है तुम लोग जाओ लुइस लेन और पुलिस को फोन करो, मैं इन लोगों को देखता हूँ। तब रोबेटा बोलती है तुम अकेले नहीं जा रहे, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो टॉमी और चक फोन बूथ के पास जाने लगते हैं और रोबेटा और जिमी उन मेंबर्स के पास। तब हम देखते हैं जिमी बोलता है मैं लुइस लेन की स्टाइल में हमारे लिए थोड़ा टाइम बाय करने वाला हूँ। जब भी लुइस ऐसा करती है तब सुपरमैन उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है, शायद वो मेरा ऐसा करने पर भी आ जाए। तो हम देखते हैं कि जिमी उन लोगों से सवाल जवाब करने लगता है, मैं हूँ जिमी और ये है मेरी एसोसिएट रोबेटा, क्या हम तुम लोगों से थोड़े सवाल जवाब कर सकते हैं। तो वो क्लेन वाले उन लोगों को रास्ते से हट जाने के लिए बोलते हैं, और सीन शिफ्ट होता है वापस डेली प्लेनेट में, जहाँ पर क्लार्क और लुइस आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक फोन आता है जो कि टॉमी ली का होता है, वो बता रहा होता है कि कैसे यूनिटी हाउस खतरे में है। लेकिन डेली प्लेनेट वाले टॉमी की बात को समझ नहीं पाते और फोन रख देते हैं, लेकिन क्लार्क सब कुछ समझ जाता है। वो उस रिपोर्टर से पूछता है कि क्या फोन टॉमी ली का था, वो कहती है हाँ, और सीन शिफ्ट होता है वापस रोबेटा और जिमी ओल्सन पर, जो कि उन क्लेन वालों के साथ पंगे ले रहे होते हैं, लेकिन क्लेन वाले उन पर हमला कर देते हैं और तभी सुपरमैन वहां पर आ जाता है। तो जब रोबेटा सुपरमैन को बताती है कि इन लोगों ने यूनिटी हाउस बॉम्ब फिट कर रखा है, तो सुपरमैन उनमें से एक को अपने साथ यूनिटी हाउस में ले जाते हुए बोलता है कि रोबेटा और जिमी तुम यहाँ से बाहर जाओ, वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। तो जब क्लार्क ऊपर आता है तो वह देखता है कि कुछ लोगों को वहां पर बांध कर रखा हुआ है,
क्लार्क उन सबको फ्री करता है लेकिन वो बॉम्ब को नहीं ढूंढ पा रहा और टिक टिक की साउंड तो हर जगह से आ रही होती है। तो क्लार्क घबरा जाता है लेकिन वो क्रेन वाला मेंबर क्लार्क को कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो क्लार्क सोचता है कि जैसे मैंने उस टाइम आर पार देखा था शायद मुझे वो फिर से ट्राई करना चाहिए। तो क्लार्क अपने उन एलियन माता पिता को फिर से बुलाना चाहता है लेकिन वो लोग नहीं आते। तो क्लार्क के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो उन लोगों को लेकर बिल्डिंग से बाहर आता है और वो बिल्डिंग फट जाती है। आगे हम देखते हैं कि सीन वापस शिफ्ट होता है डेली प्लेनेट में, जहां पर इंस्पेक्टर हेंडरसन पेरी को बोल रहे होते हैं कि तुमने न्यूज़पेपर में ये सब क्यों छापा। लेकिन तभी वो क्रेन वाले वहां पर आ जाते हैं और वो इंस्पेक्टर हेंडरसन से उसका पुलिस वाला बेस मांगने लगते हैं और वो उसे धमकी देते हैं कि हमें ये बेस दे दो वरना हम पेरी को मार देंगे। वहां पर सुपरमैन दुखी है कि वो यूनिटी हाउस को नहीं बचा पाया, वो फेल हो गया। और यहां रॉबर्टा ये सोच रही है कि अगर वो मेट्रोपोलिस आती ही नहीं तो ये सब नहीं होता। लेकिन जिमी उसे बोलता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर तुम यहां आते ही नहीं तो भला हम मिलते कैसे, मेरा मतलब मैं तुम और टॉमी से कैसे मिलता। और रॉबर्टा और जिमी दोनों ही शर्मा जाते हैं। तब हम देखते हैं कि सुपरमैन उस क्रेन वाले मेंबर को जो कि थोड़ा इंजर्ड हो चुका है उसको हॉस्पिटल ले जाने लगता है और जिमी रॉबर्टा को अपने घर छोड़ने लगता है। लेकिन तभी रॉबर्टा पूछती है ये लोग बस दो ही थे लेकिन जब पहले हम मिले थे तब तो ये बहुत सारे थे, तो तुम्हें क्या लगता है इनके बाकी मेंबर कहाँ पर होंगे, शायद वो लोग किसी और टारगेट को ढूंढ रहे होंगे। तो रॉबर्टा पूछती है कोई और टारगेट वो भला कौन हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है डेली प्लेनेट जिसके छत पर भी वो फायर क्रॉस बना दिया गया है और वो जल रहा होता है। जिमी और रॉबर्टा ये देखकर बहुत डर जाते हैं। तो दोस्तों कहानी जारी रहेगी, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सुपरमैन वक्त पर पहुंचकर सबको बचा पाएगा या फिर से वो फेल हो जाएगा। बने रहिए राज कॉमिक्स यूनिवर्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि अगला वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।